आज हम लोग का लगा है फूट, तो हम लोग जा रहे हैं फूट पे। हमारे दीदी भी आ चुके हैं और हम लोग को घंटाघर में टूर लगाया, तो इसलिए फूट पे जा रहे हैं। आज हम लोग को दिखाएंगे कि आज हम लोग कैसे शूटिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं सारा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ और किस तरीके से शूट करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग का शूट लगा है, तो हम लोग को घंटाघर जाना पड़ेगा गाइस। वहाँ पे हम लोगों को कैमरामैन वगैरह सब आए हुए हैं और काफ़ी फ्रेंड हमारे आए हुए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर वीडियो शूट कराने के लिए। तो गाइस, हम लोग को हम इस वीडियो में यही दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से और कहाँ और किसके साथ वीडियो शूट करते हैं। तो गाइस, आगे तक लास्ट तक बना रही है तो देखिएगा, और काफ़ी इन्जॉय और काफ़ी मज़ा आता है वीडियो शूट कराने। हम लोग पहुंचने वाले हैं शूट पे और भाई भी हमारे आ रहे हैं पीछे, हम अमन भाई के साथ निकल रहे हैं। तो जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे शूट करते हैं, किसके साथ करते हैं, कौन कौन हमारे साथ रहता है शूट पे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नखलाऊ के सबसे छोटे गेट पे, जो कहते हैं धोबी गेट का सबसे छोटा गेट है गाइस। वहां तक पहुंच चुके हैं और बस घंटाघर पहुंचने ही वाले हैं गाइस। एक सामने भी गेट दिख रहा है, वो है मतलब इससे हल्का बड़ा गेट होता है और सबसे बड़ा गेट हमारा धोबी गेट है। तो गाइस, यहाँ पे नखलाऊ में फेमस है काफ़ी, और यहाँ की मतलब एरिया जितना घंटाघर का सारा एरिया है यहाँ का, फिर नखलाऊ में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो गाइस, काफ़ी इन्जॉय और काफ़ी मस्ती होते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं वीडियो शूट कराने के लिए गाइस। और नखलाऊ में काफ़ी लोग जितने मतलब लोग होते हैं यहाँ पे टहलने और घूमने के लिए आते हैं और एंजॉय करने के लिए आते हैं गाइस। तो हम लोग को भी मतलब जब हॉलीडे या छुट्टी होती है तो हम लोग भी यहाँ पे टहलने या घूमने के लिए आ जाते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। और रात में इतना नज़ारा कुछ और ही था गाइस। आ चुके हैं हम लोग, तो यहीं पे हम लोगों का शूट है। अभी भाई आने वाला है, रात में आएगा ना, तो कम से कम 7 बजे 1 घंटा घर से मिलना पड़ेगा। काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फव्वारे और गाइस पहुंच चुके हैं घंटाघर, और यहाँ पर हमारे साथ अमन भाई भी आ चुके हैं। अमन भाई हेलो। तो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी भाई लोग को आना बाकी है क्योंकि भाई लोग अभी काफ़ी पीछे थे। अमन भाई काफ़ी तेज गाड़ी चला रहे थे, मतलब उनको शॉर्टकट पता थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं। अभी भाई लोग भी आएंगे तो अभी, और आगे लोग नेहा लोग भी हैं तो उनसे भी मिलना पड़ेगा। तो गाइस चलिए, अब तक घंटाघर का एंजॉय। घाट चलना है कौन सी? अच्छा वो अंदर, हाँ। ठीक तो गाइस, भाई ने बताया है सीधा जुया घाट चलना है, घंटाघर पे शूटिंग नहीं है, तो चलिए जुया घाट चलते हैं गाइस। तो गाइस, हम लोग जुया घाट भी पहुंच चुके हैं है। अमन भाई भी आ गए जल्दी, वे भाई, और वो देखो यहाँ पे हम लोगों को शूट करना है, तो भी भाई आ रहे हैं मेरे, भाई बताएंगे। भाई साहब बाल यार खड़े होंगे पूरे बिना मशीन के, है ना अमन भाई? चलो, तो यहाँ पर हम लोग को शूट लगा है, यहाँ पर आके शूट करना है। अमन भाई हैं, यहीं पर गाइस शूटिंग करना है। अभी कैमरा मैन अभी आए नहीं है हमारे, और भी काफ़ी लोग हैं तो वो भी का भी आना बाकी है। तो गाइस, यहाँ पर स्नेहा पहुँच चुकी हैं, आप लोग इनको जानते हो गए, आजकल यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, और हम लोग आ भी चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी साथ में वीडियो भी बनाई है, काफ़ी वीडियो बना चुके हैं हम लोग। और हाय नेहा, प्रिय भैया आप लोग इनको जानते होंगे,
ये है ना नहीं, तो ये भी वीडियो बनाती है। तो गाइस सभी भाई को आना बाकी है, भाई मेरे आ चुके हैं, ये देखो भाई आ रहे हैं अभी शूटिंग होगी। अरे भाई, भाई मेरे आ चुके हैं और अब शूटिंग स्टार्ट होगी। देखो सबके सब स्टार्ट रेडी खड़े हैं। तो गाइस ये देखो दीदी मेरी आ रही है। हाँ दीदी, हाँ दीदी मेरी सूट देखने के लिए आई है। ये भैया हमारे कैमरामैन रेडी हो चुके हैं। वो कितना अच्छा मौसम, कितनी हरियाली जगह पे। ये हमारे दीपू भाई हैं। हाँ दीपू भाई, तो ये हमारे कैमरामैन है भाई जो वीडियो शूट करते हैं, हम लोग इन्हीं से वीडियो शूट कराते हैं। और बाकी ये हमारे दो लोग रेडी हो चुके हैं वीडियो शूट कराने के लिए। तो ये देखेगा स्टार्ट, वो शूट लगा है। क्या करना भैया, कुछ नहीं भाई, देखते हैं हम तो तुमको। अरे देखे का जाओ, फोटो ले जाओ, ध्यान देख लो। गाइस अब हम लोग का भी शूट लगने वाला है, तो भाई अभी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो जब भाई मेरा लोकेशन बताते हुए कैमरा स्टार्ट हो गया है गाइस, और भाई मेरे रेडी हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे मेरे भाई के साथ में फ्रेंड है, मतलब भाई लगते हैं, वो भी इनके साथ शूट कराने आए हैं। तो भाई इनके साथ शूट करा रहे हैं। ये गाइस नेहा है जो शूट करा रही हैं वीडियोस। तो भाई भाई रेडी हो चुके हैं और वीडियो स्टोर शूट कराने जा रहे हैं। ये भाई हैं हमारे जो भाई के साथ शूट करा रहे हैं। गाइस रेडी कैमरामैन, और भाई भी रेडी हो चुके हैं। अरे भाई से एक्चुअली दिक्कत हो गई, क्योंकि लुक होता है बड़ा कनेक्शन खराब है। तो भाई फिर से करवा रहे हैं, कि वो वीडियो गलत हो गई थी ना, तो ये फिर से करवा रहे हैं। और गाइस अब मैं रेडी हो चुका हूँ वीडियो शूट कराने के लिए। लेकिन गाइस देखता हूँ वीडियो में, मतलब थोड़ी बहुत वो आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ख़राब है ना, तो जिसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा ब्लूटूथ में मतलब सॉन्ग सुनाई देता है, कभी फस फस के सुनाई देता है, तो पूरा सॉन्ग क्लियर सुनाई नहीं देता है। इसलिए गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो मैं थोड़ा कह देता हूँ फिर से बना लेते हैं। तो गाइस देखिए मौसम यहाँ पर काफ़ी होता है, घंटाघर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब वीडियो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं शूट कराने के लिए। हम लोग को यही आता है तो गाइस वो वीडियो खराब हो चुकी थी, मैं दोबारा वीडियो शूट करा रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ी सही जाती है, मतलब जाती है लेकिन सही मतलब इतना खास नहीं होता है। देखते हैं वीडियो आने दो, एडिटिंग होकर फिर दिखाएंगे आपको कैसी वीडियो बनी थी। तो गाइस यहाँ पर काफी टाइम हो चुका है और काफी समय हो चुका है। हवन भाई, भाई देख रहा सुमित भाई, खत्म होने जा रहा है। बस भाई को एक ही वीडियो बनानी है, वो बना लेगा, फिर हम लोग का ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ घंटा कर देंगे, कैसा लग रहा है? अरे मतलब वीडियो थोड़ा खराब आ रही है। यहाँ पे देखिए हमारा शूट खत्म,
होने को है और आधे लोग चले भी गए हैं। रमन भाई आ गए हमारे और ये घंटा कर रहे, अच्छा लग रहा है। खत्म हो चुका है, अब सब लोग चलते हुए हैं घर के लिए। ये अमन भाई आते हुए, गाइस वीडियो शूट हो चुका है। अब हम लोग मतलब ब्रेकअप हो चुका है पूरा, समझ लो। यहाँ पे देखो सबके सब बैठे हैं, वीडियो ले रहे हैं। और यार काफ़ी नाइट भी हो चुकी है, रात भी हो चुकी है हम लोगों की, और काफ़ी अंधेरा होने वाला है। ये हमारा आज यहाँ कांच का शूट था धोबी गेट का। तो गाइस आज का शूट हमारा यहीं क्लक था और काफ़ी मज़ा आया मतलब कि शूट करने में। बट थोड़ा थोड़ा यार बारिश भी होने लगी थी, इसके कारण बीच में शूट हो नहीं पाया था, हम लोगों का रुकना पड़ा था। और यहाँ पे काफ़ी लोग शूट हो चुका है, देखो भाई लोग शूट ख़त्म हो चुका है, बस खड़े हुए हैं। अब पैसा पेमेंट वगैरह सब करना है कैमरामैन को, वही पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। हम पेमेंट वगैरह करने के बाद हम लोग फिर जाएँगे घर, वैसे ही शूट हो गया। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।